वेलकम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज एक हमारे व्यूअर की डिमांड पर एक वीडियो है हमारी, उन्होंने हमसे पूछा है कि हम अपने इनवॉइस के ऊपर पार्ट नंबर और इनवॉइस आइटम का नेम कैसे अलग शो कर सकते हैं। तो होता क्या है फ्रेंड्स, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे इनवॉइस पर सिर्फ आइटम का नेम आता है। जैसे मैं आपको अगर प्रीव्यू दिखाऊँ इनवॉइस का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सिर्फ आइटम का नेम आएगा इनवॉइस के ऊपर। जैसा कि अब आप देख पा रहे होंगे, सिर्फ आइटम का नाम पिक करा माउस। अब कई केस में क्या होता है, उस आइटम नेम के साथ पर्टिकुलर एक पार्ट नंबर भी होता है, मतलब एक यूनिक नंबर होता है आइटम के साथ। अब नंबर हम मेंशन कहाँ कर सकते हैं और कैसे इनवॉइस पर वो आएगा, या हम इसके अलावा क्या क्या चेंज और इनवॉइस पे अपने लेवल पर कर सकते हैं, आज हम वही जान रहे हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर हम मेंशन कहाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स जब भी हम आइटम ऐड करते हैं, जैसे हमने कोई आइटम बना रखा है यहाँ पर, सपोज़ माउस की बात करते हैं, तो पार्ट नंबर या यूनिक नंबर आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं जो भी उस आइटम का होगा एलियास में, एंड ये हम सेव कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है ये इनवॉइस के ऊपर कैसे प्रिंट होकर आएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर, आता है कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आता है फ्रेंड्स हमारा इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, यहाँ आता है स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस। अब यहाँ एक ऑप्शन है यहाँ पर बॉडी का फ्रेंड्स, जहाँ पर दो ऑप्शन है ऑटोमेटिक एंड सेल्फ कन्फिगर्ड। तो हमें करना क्या है, हमें सेल्फ कन्फिगर्ड पे क्लिक करना है। हम अपने अकॉर्डिंग ये कॉलम्स मेंशन कर सकते हैं जो इनवॉइस के ऊपर हमें चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पर पार्ट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर एलियाज में आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, जो टोटल विड्थ होती है वो हमारी 136 हो सकती है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, और 80, 96 या 136, हम तीनों में से कोई भी सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब जैसे मुझे इस वाले केस में CGST SGST कॉलम नहीं चाहिए इनवॉइस के ऊपर, ये मैंने जीरो मेंशन कर दिए। किसी को चाहिए वो CGST SGST कॉलम आइटम के साथ, तो वो रहने दे सकता है, ये अपने अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरा 82 आ रहा है, या तो 80 हो या 96 हो या 136 हो। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 10 कॉलम हमने एलियास के बढ़ा दिए। अब देखिए 92 हो गया हमारा, लेकिन सेव हो सकता है 96 पर या 136 पर या 80 पर। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं यहाँ पर आइटम नेम और इंक्रीज कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर टोटल हमारा 96 हो गया। अगर हमें कुछ और भी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, जैसे मुझे डिस्काउंट का अमाउंट भी चाहिए, डिस्काउंट परसेंट चाहिए या डिस्काउंट टोटल अमाउंट चाहिए, तो यहाँ पर मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग में कॉलम में। बस मुझे डिजिट देनी है यहाँ पर, नंबर्स देने हैं, वो मेरे प्रिंट के ऊपर आएगा। ओके करते हैं, सेव करते हैं। अब इसका एक बार हम प्रीव्यू चेक करते हैं इनवॉइस का, कि किस तरह से पार्ट नंबर हमारा इनवॉइस के ऊपर आया होगा। अब इस तरीके से हम चेक करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर आइटम एलियाज आ गया 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे ये भी चेंज करना है, आइटम एलियाज की जगह मुझे यहाँ टाइप करना है पार्ट नंबर। तो फ्रेंड्स अगेन जाएंगे हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, स्टैंडर्ड सेल्स इनवॉइस, कन्विस पे क्लिक करेंगे सेल्फ कन्विगेट पे, और यहाँ पर हम कर देंगे पार्ट नंबर। तो जो हमारे कॉलम की हेडिंग आएगी वो आएगी पार्ट नंबर, या जो भी आप टाइप करना चाहें। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कॉलम सेट कर सकते हैं, हमें कौन कौन से कॉलम इनवॉइस के ऊपर चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे आगे आइटम नेम, फिर आगे हमारा पार्ट नंबर। तो इस तरह से हम ये कॉलम एडिट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो भी हमें कॉलम चाहिए बिल के ऊपर। थैंक यू फ्रेंड्स।